बेचारे राजकुंद्रा को जेल में पानी वाली दाल खानी पड़ी, पब्लिकली नहाना पड़ा, लोगों के बीच चिपक चिपक कर सोना पड़ा और गंदे टॉयलेट्स पर हगना पड़ा। सो सैड। अरे तो फिर मत करते ना ऐसे कुकर्म। तूने क्या बोला तूने? और चलो कर्म जो किया वो किया, लेकिन उससे बड़ा कांड ये मूवी बना के किया है, जो आई स्वेयर सिर्फ इस साल की नहीं इस सेंचुरी की सबसे गंदी मूवी है। हाँ आई नो कि पिछले हफ्ते सेम चीज मैंने गणपत के लिए बोली थी, लेकिन ब्रो अगर वो टट्टी है ना तो ये डायरिया की फड़फड़ाती हुई पिचकारी का एक्सप्लोजन है। पता है कि आपको ये सुनने में ही बहुत ग्रोस लग रहा होगा, लेकिन मूवी में तो राजकुंद्रा का पेट खराब होने के बाद ये दिखाया और सुनाया गया है। तो प्लीज मेरे इस स्ट्रगल के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे पता है यूट्यूब का एक नया फीचर आया है दैट व्हेन आई से हिट द लाइक बटन, नीचे लाइक बटन ग्लो करने लग गया है, एंड इफ आई से प्लीज सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब बटन ग्लो कर रहा है। लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो कि आपके में कर रहा है कि नहीं, मेरे में तो कर रहा है। वैसे एक चीज तो है कि कुछ हो ना हो गणपत मूवी में कम से कम बजट तो था, ऑल्दो वो अलग बात है कि उस मूवी ने अपने प्रोड्यूसर्स का अगले 20 साल का बजट खराब कर दिया है, लेकिन इस मूवी का बजट तो आजकल के यूट्यूब वीडियोस से भी कम है। क्या यार राज भैया, जितना पैसा उन फिल्मों से कमाया उसका 10% तो इस फिल्म पे लगा देते। वैसे कितनी आयरोनिक बात है ना कि रात को सोते हुए जेल में राज जी को कोई पीछे से छेड़ देता है इन एन अश्लील वे, लेकिन वो खुद जेल अश्लील मूवीज बनाने के लिए गए थे। अच्छा तो बेसिकली ये मूवी है राजकुंद्रा जी के स्ट्रगल्स के बारे में, लेकिन वो स्ट्रगल्स इतने टुच्चे और इतने बेयर मिनिमम है कि ये मूवी ना नेटफ्लिक्स स्पेशल तो छोड़ो, एक लिटरल यूट्यूब वीडियो हो सकती थी 12-15 मिनट का। नहीं नहीं एक्चुअली ये ना यूट्यूब वीडियोस की भी बेइज्जती है, क्योंकि ये मूवी लिटरली एक ट्वीट हो सकती थी। हाय आई एम राजकुंद्रा, हस्बैंड ऑफ शिल्पा शेट्टी एंड फ्यूचर कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस, एंड हियर आर द स्ट्रगल्स आई फेस्ड इन द जेल 1, 2, 3, 4 एंड डन। क्योंकि यार सबने एक्सपेक्ट किया था कि आप एक पूरी मूवी बना रहे हो तो पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों राज पे सारा ब्लेम आया, क्या उसका कोई कनेक्शन था या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या इसमें से कुछ भी मूवी में एड्रेस किया गया है? नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे राज को उनका टूथपेस्ट, शैम्पू और नाड़ा अंदर नहीं ले जाने दिया गया जेल के, कैसे राज को वीआईपी सेल की जगह जनरल सेल में डाला गया, कैसे राज को वहां पे बाकी लोगों की तरह एक दूसरे पे चढ़ के सोना पड़ता था रात को, कैसे जेल की दाल में दाल कम और पानी ज्यादा होता था, कैसे राज को वीगन होने के बावजूद वहां पे अंडा खाना पड़ा, और कैसे राज भाई को अपने बर्थडे पे सोन पापड़ी का केक एक प्लास्टिक के स्केल से काटना पड़ा। मतलब कितना जोर दिखा रहे हो यार आप राज भाई पे वहां पे। सॉरी हंसना नहीं चाहिए क्योंकि है तो किसी की जेल की स्टोरी, पर कुछ भी मतलब यार क्या टाइम पास दिखा रहे हो मूवी में। एक्चुअली टाइम पास भी नहीं, टाइम वेस्ट किया है आपने 2 घंटे। पूरा टाइम बस राज के 63 डेज का दिनचर्या दिखाया गया। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मैं ट्रेलर देख के लेके गया था ना अपने दिमाग में, मैं उतनी इन्फॉर्मेशन लेके वापस आया हूँ मूवी देख के। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आपको खतरों का खिलाड़ी बनना है और ये मूवी देखनी है तो ट्रेलर देख लो, बस उतना ही है। वैसे अगर कुछ अच्छा देखना है या और क्राइम रिलेटेड देखना है बिल्कुल राजकुंद्रा जैसा लेकिन बिल्कुल उसके जैसा नहीं, तो यू कैन चेक आउट माय सेकंड चैनल। एक्चुअली शिट आदत पड़ी हुई है। यू कैन चेक आउट माय गेमिंग चैनल शिवम प्लेज, जहां अपने लेटेस्ट वीडियो में मैंने असैसिन्स क्रीड खेली है जिसमें मैं एक जेब कतरा बनाऊं और हमने बहुत लोगों की जेब काटी है। इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको देखने में भी मजा आएगा। तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट शिवम प्लेज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वैसे पता है मैंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि मूवी में शिल्पा शेट्टी जी होंगी, लेकिन कैन यू बिलीव कि शिल्पा जी का मूवी के बारे में पोस्ट उनके रोल से ज्यादा लंबा है। इनफैक्ट उनका रोल है भी नहीं क्योंकि सिर्फ आवाज आती है उनकी फोन पे। अबे जब मूवी में बीवी नहीं आई तो थिएटर में लोग क्या ही आएंगे देखने। वैसे मूवी में भले ही शिल्पा जी ना हो लेकिन उनकी बातें फॉलो ऑन हुई हैं। आप सच में शिल्पा शेट्टी के साथ रहते हो क्या? तो नहीं, वो इतना खूबसूरत है और आप कभी कोई राज से पूछ लेता है कि आप ज्यादा कमाते हो या शिल्पा जी और इतना पैसा रखते कहाँ हो, तो कभी कोई पूछता है कि शिल्पा जी तो सिगरेट पीती होंगी ना दिन में 2 बंडल। पर ट्रेलर की हाईलाइट था ये सीन। क्या कड़क लगती है यार शिल्पा। अबे भूतनी के उसका पति इधर ही बैठा है। अब ट्रेलर में ये सीन देख के लगा था कि ओ भाई इसके बाद कुछ बवाल होगा, राज कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इस सीन का भी कोई इंपैक्ट नहीं था क्योंकि ये बात राज से पता नहीं कोसों दूर बैठे हुए 2 बंदे बोलते हैं और उन्हें सुनाई भी नहीं देता। एंड दैट्स इट। मतलब यार राज का थोड़ा गुस्सा होना, आर्ग्यू करना, ड्रामा वगैरह करना कुछ तो डालते, क्या रोज का नहाना धोना दिखा रहे हो बस। कोई इस मूवी के डायरेक्टर को बताओ कि एक बार में समझ आ जाता है कि कैदी कैसे नहाते हैं, कैसे खाना खाते हैं और कैसे हगते हैं, 4 बार दिखाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जहां राज एक्टिंग की भी है ना वहां भी हक है। लेकिन एक सीन में ऐसे टीवी पे ऊपर न्यूज आती है कि सेकंड टाइम राजकुंद्रा की बेल डिनाय हो गई है, एंड नीचे राज बैठ के
ऐसे देख रहे हैं, मतलब क्या सुपर से ऊपर एक्टिंग है ये। मैं कितनी भी बार कर लूं मुझे क्रिंज ही लगेगा। सी आई नो कि वी आर नॉट फिल्म मेकर्स, लेकिन फिर भी यार इतना तो पता होता है ना कि इम्पैक्ट कैसे लाना है। मतलब सोचो, अगर जेल से निकलते वक्त आपका इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो फिर क्या ही मैदान फतेह किया है आपने, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आप कम से कम जेल से निकलते हुए शिल्पा की एक बॉडी डबल लाके ऐसे हाथ ही पकड़वा देते यार, कम से कम वो तो कर देते। लेकिन नहीं, मूवी जिस दरवाजे पे शुरू हुई है उसी दरवाजे पे खत्म हुई है, वही चार दीवारी के अंदर। खैर, फिर एक बंदा बोलता है कि मैं शिल्पा शेट्टी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, एंड राज रिप्लाइज टट्टी कर लूं, व्हिच ब्रिंग्स मी टू दिस कि भाई पता नहीं लोगों का क्या ऑब्सेशन है टट्टी के साथ। मतलब पूरी मूवी में हर 10-15 मिनट में टट्टी या उसका कोई पर्यायवाची यूज किया गया है। नाउ सी, कि टट्टी वाला सीन तो संजू मूवी में भी था जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, लेकिन इस मूवी में राज को खाना खा के टट्टी आती है एंड उनको बहुत तेज आती है एंड उनको इंडियन टॉयलेट में करी नहीं जा रही होती तो वो इंग्लिश टॉयलेट ढूंढ लेते हैं एंड दैट्स इट। तो ये कौन सा अनन्या पांडे लेवल का स्ट्रगल दिखा रहे हो यार आप। फिर एक जगह एक बंदा कहता है कि जेल में बस दबा के खाने का और दबा के हगने का, एज इफ बड़ा इंपॉर्टेंट था ये डायलॉग डालना। एंड एज आई सेड, एक जगह राज की टट्टी की आवाजें सुनाई गई हैं, जो कि फिर भी बेटर है राज की एक्टिंग से, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। तो एक सीन में ना राज के क्वारंटीन सेल में एक चूहा आ जाता है जिसे वो अपने ब्रिटिश एक्सेंट में भगाते हैं, फ्रिकिन माउस बोल बोल के। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी कई जगह डायलॉग सही है, लेकिन एक जगह राज सेज कि सबको लाइफ में एक ना एक बार जेल जरूर जाना चाहिए, एंड आई एम लाइक Excuse me? भाई बंदा इतना ज्यादा दुख दर्द पीड़ा में है कि वो सबको उल्टा सीधा बोल रहा है। इनफैक्ट मूवी में एक जगह राज ने तो शिल्पा को भी ताना मारा है। यार सच बता रहा हूँ, ये मूवी इतनी लो एफर्ट है ना कि इसके वीडियो में इसके डायलॉग्स याद करने में ना मेरा भी एफर्ट डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऑल्सो इट्स दिवाली टाइम, तो थोड़ा ब्रेक मेरा भी बनता है। सो ही सेड टीवी पे बीवी थी और यहाँ था IGT यानी इनमेट्स गॉट टैलेंट, एंड लेट मी टेल यू शिल्पा, ये ज्यादा एंटरटेनिंग था। मैं बता रहा हूँ, ये बंदा ना शिल्पा को भी निकलवाएगा इंडियाज गॉट टैलेंट से। और पता चले उनकी जगह आ भी कौन रहा है, मलाइका अरोड़ा, बाय द वे जिसका शो व्हाइट वॉशिंग और वो ग्लोरिफिकेशन वाला इस मूवी से तो बेटर ही था, क्योंकि उस शो को देखने के लिए कम से कम टिकट्स तो नहीं खरीदनी पड़ी थी ना, इसलिए थोड़ा कम दर्द हुआ था। वैसे दर्द तो एक बूढ़े अंकल के पिछवाड़े पे भी हुआ था मूवी में, जब उनके पिछवाड़े पे डंडे बरसाए गए थे पुलिस वालों द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको अपने घर एक नहीं दो बार कॉल करनी है एक हफ्ते में। बट ऑन दी अदर हैंड, राज कुंद्रा जी सर के बर्थडे पे उनको अंदर कैबिन में बुला के वीडियो कॉल कराई जाती है शिल्पा शेट्टी जी के साथ। लेकिन उस वीडियो कॉल में भी शिल्पा जी की सिर्फ आवाज आती है, वीडियो नहीं होती है। बट कैन यू बिलीव कि सारे पुलिस वाले मिलके राज सर को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लाइक बहुत सारी ना अनरियलिस्टिक चीजें भरी पड़ी है इस मूवी में। जेलर राज को गुड नाइट बोल के जा रहा है, क्वारंटीन सेल का इनॉग्रेशन राज से कराया जा रहा है, पूरे दिन टीवी पे शिल्पा शेट्टी के ही गाने और शोज चल रहे हैं, और सारे 246 कैदी हंसी खुशी सब कुछ मिल बांट के रहते हैं कुछ भी। तो मूवी में ना राज सेज कि आई विश कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के सबको सच बता सकता, बट इज लॉयर सेज कि इट कैन गो अगेंस्ट हिम। वेल नाउ आई विश कि ये पूरी स्टोरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता देते। सॉरी, फिर पैसे कैसे कमाते ना। वैसे तब ने की राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब की एंड आई स्वेयर मूवी से ज्यादा डिटेल्स तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकी है राज ने अपने स्ट्रगल की। आथरो जेल के अंदर जो मैं नोट्स लिखता था डेली, और सबने बोला था ये बुक बाहर लेके जाने नहीं देंगे, तो मैंने चड्डी वड्डी में छुपा के मैं बाहर लेके आया इस नोट्स को। ये लो, जेल से निकलते हुए भी कांड करके आया ये बंदा। खैर, एटलीस्ट राज की बात बात पे कैरिड अवे हो जाने वाली आदत की वजह से हमें ये तो पता चला कि मूवी में शिल्पा जी क्यों नहीं है। तो आई आस्क्ड हर एंड आई वाज वेटिंग फॉर एन आंसर एंड आई जस्ट टर्न द अदर वे, वहां से पहले एक चप्पल आई पटक करके मेरे फेस पे लगी। सही ही किया शिल्पा ने। भाई साहब, ये कितनी पेड ऑडियंस बुलाई आज, इतना बजट नहीं है हमारे पास। बहुत प्यारी सी छोटी फिल्म बनाई है हमने। या इतनी छोटी और प्यारी सी मूवी है कि उसके बारे में पता भी हमको राखी सावंत और उर्फी जावेद की ड्रेसेस से चला। So beautiful, so elegant, वैसे उर्फी के साथ तो कोई कंट्रोवर्सी हुई थी ना राज की, जब उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था अपने स्टैंड अप में। वैसे उसी स्टैंड अप में राज ऑल्सो सेड दिस, मेरे बच्चे किसी को हेलमेट में देख लेते हैं ना तो पापा 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 बोलने लग जाते हैं। अरे कुछ दिन पहले टीवी पे पावर रेंजर्स देखा, कब और कैसे उतारा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो सब भी मूवी के लिए ड्रामा था। सस्ता
आई थिंक राज को लग रहा है ही इज लुकिंग वेरी कूल वेरी कूल वेरी कूल वेरी कूल ही थॉट कि मैं मास्क उतारूंगा ना तो पीपल विल बी लाइक ओ माय गॉड ये तो 2023 का माइली स्टुअर्ट ही हैना मोंटाना वाला मोमेंट हो गया बट नो नॉट रियली Nobody cares, Raj. खैर एंड में भी ये लोग कुछ नहीं बताते कि क्या था क्या हुआ क्या रहेगा एंड मूवी ऐसे ही abruptly एंड हो जाती है जब कुकी को बेल मिल जाती है तो सिमिलरली मैं भी ये वीडियो ऐसे ही एंड कर देता हूँ क्योंकि as such कोई एंड मेरे पास है नहीं इसका बट या मूवी बहुत टट्टी थी सो गाइज दैट वाज इट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई गेमिंग चैनल शिवम प्लेस जिस पे मैंने Assassin's Creed एंड Spider-Man के वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए एंड द नेक्स्ट वन इज कमिंग वेरी सून और हाँ आप में से कई लोग बोल रहे थे कि बिग बॉस पे वीडियो बनाओ तो येस दैट वीडियो विल बी कमिंग वेरी सून बट टिल देन हमने बिग बॉस का पहला चुगली सेशन ऑलरेडी डाल दिया है मेरी सिस्टर के चैनल पे द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन आई कार्ड एंड स्क्रीन एवरीवेयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो बाय बाय